या मैं ना न्यूबॉर्न बेबी के मुंह में जो सफ़ेदी हो जाती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। आप बोलोगे सफ़ेदी क्या होती है, जब है ना बच्चा उसकी जो जबान है ना उसका उसमें ना थोड़े थोड़े पैचेस होंगे सफ़ेद सफ़ेद, या फिर पूरे जबान है ना सफ़ेद सफ़ेद हो गई है, या फिर यहाँ जो जगह है ना वहाँ पर भी सफ़ेदी आ गई है, उसका वजह क्या है, क्या इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, किस तरह से क्लीन करना चाहिए, सारी चीज़ें ना इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज़ 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 वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गाइस मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पियो प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीता होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड हो या फिर बॉटल फीडेड हो या फिर पैसिफायर लेता हो, तो उन तीनों के केस में ये प्रॉब्लम बच्चे के मुँह में दिखती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मिल्क रेसिड्यू। जानते हैं ये कैसे होता है, जब माँ का दूध बच्चा पीता है ना, पीने के बाद जो लास्ट पार्ट रह जाता है दूध का, वो है ना टंग पे रह जाने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पाउडर मिल्क बच्चे में कभी कभी भी ये ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, क्योंकि पेरेंट्स ना पाउडर और जो पानी का प्रपोर्शन है ना वो सही से नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इस वजह से उनमें ना ज़्यादा दिखता है ये वाइट वाइट पैचेस। थर्ड थिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं, दही जैसी उल्टी करते हैं, उन बच्चों में ना मुंह में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे है ना अच्छी तरीके से साफ किया जा सकता है, इसलिए प्लीज़ 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 वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं ना अंत में आपको साफ करने का तरीका भी बताऊँगी। ये सिर्फ है ना बच्चे की ज़बान पर ही रहता है, यहाँ पर ही रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, पर आपको पूरे मुंह में दिखाई दे, चिक्स के अंदर, यहाँ पर चिक्स है, अंदर चिक्स पे दिखाई दे, यहाँ पर दिखाई दे, और है ना पूरे मुंह में दिखाई दे, तो उसे मिल्क रेसिड्यू नहीं कहते, उसे ओरल थ्रस्ट कहेंगे। ओरल थ्रस्ट है, इसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बच्चा दूध नहीं पिएगा, अनइजी रहेगा, क्रैंकी रहेगा, और बच्चे को बुखार भी आ सकता है। ओरल थ्रस्ट ईस्ट बेस इन्फेक्शन है, जिसके वजह से बच्चे को मुंह में दर्द रह सकता है, प्लस बच्चा क्रैंकी रहेगा, खाना नहीं खाएगा, मतलब ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा होगा, और थोड़ा सा इरिटेट रहेगा, प्लस है ना उसे बुखार आ सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आपके बच्चे को सिर्फ वाइट वाइट पैचेस जबान पे है, तो बच्चा है ना खाना भी लेगा और इरिटेट भी नहीं होगा। अगर पूरे मुंह में वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं, तो बच्चा खाना नहीं लेगा, इरिटेट रहेगा और रोता रहेगा। इसके लिए जब बच्चा ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, खाना नहीं ले रहा है, तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको है ना इसका सॉल्यूशन देगा, या फिर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर जेल प्रिस्क्राइब करेंगे इसे ठीक करने के लिए। के बच्चे को ईस्ट इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ वाइट पैचेस जबान पे ही है, तो आपको क्या करना है, दिन में दो बार, बच्चा अगर न्यूबॉर्न भी है तो भी आप कर सकते हो, और बड़े होने पे भी कर सकते हो, दिन में दो बार, सुबह एक और रात के टाइम पे एक। आपको क्या, गॉज बैंडेज लेना है, वार्म वाटर में डिप करना है, और बच्चे की जो टंग है उसे क्लीन करना है। अगर आपके पास गॉज बैंडेज नहीं है और अभी आपको क्लीन करना है, तो आप ना अच्छा कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, बहुत बार यूज़ किया हुआ रहता है, वो एकदम सॉफ्ट रहता है, वो यू लेना है, उंगली पे कुछ इस तरह से लपेटना है, गॉज बैंडेज भी ले रहे हैं तो उंगली पे इस तरह से लपेटना है और यूज़ करना है, और अगर अच्छा सॉफ्ट कॉटन का रुमाल ले रहे हो तो उसको भी इस तरह से लपेटना है अच्छी तरीके से उंगली पर, और फिर उसके बाद वार्म वाटर में डिप करना है, ऐसा साफ करना है, बच्चा मुंह खोलने इस तरह से नहीं देगा, तो यहाँ से उंगली डालनी है आपको, इस तरह से साफ करना है और निकाल लेना है। इस ये प्रोसेस 2 से 3 बार आप करेंगे ना, तो बच्चे का देखेंगे वो एरिया जो है क्लीन हो जाएगा। आपको दिन में 2 बार करना है ये। आपको ऑब्जर्व हो कि ना वाइट टंग की वजह से बच्चे का जो पी काउंट है वो कम हो गया, मतलब कि दिन में 6 बार से भी कम सुसु कर रहा है, इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है, और वाइट टंग की वजह से बच्चा है ना दूध नहीं ले पा रहा है, इस वजह से डिहाइड्रेट हो रहा है, तो
दूसरी चीज, बच्चा ना अपने रूटीन जैसा बिहेव करता है उससे अलग बिहेव कर रहा है, चिड़चिड़ा फील कर रहा है। और तीसरा, बच्चे को बुखार आ गया है। ये तीनों चीज़ अगर सिर्फ टंग वाइट होने पे भी बच्चा कर रहा है तो आपको फिर भी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अगर इनमें से कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टंग वाइट है, तो आप जैसा मैंने क्लीन करने का तरीका बताया वैसा कर सकते हैं। अगर पूरे मुँह में वैसा हो रहा है, सफ़ेद सफ़ेद, बच्चा इरीटेटेड है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा तो टेंशन नहीं लेना है, ये एकदम नॉर्मल है। बस क्लीन कीजिए टंग को, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा सॉलिड इंट्रोडक्शन पे आ जाएगा, आपको ऑब्जर्व होगा कि आपका जो वो वाइट पैचेस बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।